हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको पफ स्लीव की कटिंग करना बताऊंगी। इस तरह का पफ स्लीव आजकल फिर से ट्रेंड में है, तो इसे आइए हम कटिंग करना सीखते हैं। जिस तरह से नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से हम इसका कटिंग करेंगे। अगर आपको मोहरी में तुरपाई करना है तो यहाँ से एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है। इसके बाद यहाँ से लंबाई लेंगे, लंबाई जितना भी लेना है आपको, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। देखिए, ये बाजू मुझे 11 इंच का तैयार चाहिए, तो इसे मैंने 11.5 इंच लिया। इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। जिस तरह से नॉर्मल बाजू कटिंग करते समय हम 3 इंच लेते हैं गोलाई देने के लिए, ये बाजू में 36 चेस्ट के लिए कटिंग कर रही हूँ। तो 36 का 4th आएगा 9 इंच, तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 9 इंच लिया है। इसी में हमारा मार्जिन भी आ जाएगा और इसका मोहरी रखेंगे 10 का आधा 5 इंच और यहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे नीचे से, ये हमारा मार्जिन है और इसे हम इस तरह से निशान बना लेंगे। इसके बाद बाजू की गोलाई देंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल बाजू में गोलाई देते हैं सेम उसी तरह से। पफ के लिए एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर के साइड, ये जो हमारा ऊपर के साइड 3 इंच का कपड़ा है इसे हम पफ के लिए रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप ऊपर से ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक्स्ट्रा पफ के लिए हम ऊपर के साइड 4 या 5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर मैं 3 इंच का ही एक्स्ट्रा लेके पफ बनाऊंगी। ये देखिए, इसे हम इस तरह से शेप लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं इस निशान पर इस तरह से छोटा सा कट लगाऊंगी। हम इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से चुन्नट लगाएंगे। इस बाजू में हम इस तरह से यहाँ का बाजू का 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करेंगे। इसे मैंने तुरपाई के लिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये ऊपर की तरफ पफ बनाने के लिए जहाँ से मैंने कट लगाया था वहाँ पर एकदम छोटा छोटा चुन्नट लगाया है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से हमारा बाजू तैयार हो जाएगा पफ स्लीव। आप इसे राउंड में भी जोड़ सकते हैं बाजू, और सीधा भी जोड़ सकते हैं।